खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। डीसीएम श्रीराम ग्रुप के रूपापुर चीनी मिल ने अब तक रिकॉर्ड 35 लाख क्विंटल गन्ना पेराई कर ली है, जबकि चीनी मिल का मौजूदा पेराई सत्र का लक्ष्य 110 लाख क्विंटल है। इतना ही नहीं, रूपापुर चीनी मिल के द्वारा गन्ना किसानों को 28 दिसंबर तक 95 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए रूपापुर चीनी मिल के जीएम प्रभात कुमार सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि रूपापुर चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। उन्होंने गन्ना किसानों से अपील करते हुए कहा कि अपना गन्ना अपने नाम से बेचें, जिससे उनके बेसिक कोटे में इजाफा हो। बेसिक कोटे में बढ़ोतरी होने पर ही किसानों की छोटी मोटी समस्याओं से उन्हें निजात मिलेगी। जीएम प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि किसानों को अपने खेतों के 50% क्षेत्रफल में उन्होंने गन्ना किसानों को सलाह देते हुए कहा कि पेड़ी को कदापि न जोते हैं। अच्छी पेड़ी रखने के लिए मिल के कर्मचारी लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसानों को खेतों में गन्ने के विशेष स्थान देना चाहिए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। रूपापुर चीनी मिल के जीएम श्री सिंह ने कहा कि 9 नवंबर से मिल का पेराई सत्र शुरू हुआ था और अब तक चीनी मिल में 35 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर ली है, जबकि इस सत्र में 110 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य है। जीएम ने बताया कि 28 दिसंबर तक चीनी मिल में 95 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया है। जीएम प्रभात कुमार सिंह ने बताया, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए चीनी मिल रूपापुर के मुंडेर गांव में सड़क पर 40 सोलर लाइटें 1.5 किलोमीटर की एरिया में लगवाई है, जिससे मुंडेर गांव प्रकाशमय है। वहीं उन्होंने बताया कि 50 लाख की कीमत के चेक डैम ककरा गांव में बनाया है, जिससे देखा गया है कि गांव में जल स्तर बढ़ा है। पचोहा क्षेत्र के मानपारा गांव में जर्जर पड़े 6 कुओं का जीर्णोद्धार कराया है। क्षेत्र के 16 स्कूलों में शौचालय बनवाए हैं। डीसीएम श्रीराम रूपापुर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के प्रति कटिबद्ध है। हम क्षेत्र में खुशहाली सेहत, खुशहाली शिक्षा और खुशहाली स्वच्छता की थीम पर कार्य कर रहे हैं और ग्रामों में अच्छा इस दिशा में विकास भी देखा जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अलावा जो मुख्य ध्येय हमारे इस बात पे भी है कि भूजल स्तर में वृद्धि हो, इसके लिए चीनी मिल ने ग्राम ककरा में एक चेक डैम का निर्माण किया है लगभग 50 लाख रुपए की लागत से, और जो लक्षित ग्राम है उनमें पिछले 2 वर्षों में 1 मीटर तक भूजल स्तर में वृद्धि भी महसूस की गई है, देखा गया है। इसके अलावा हम लोगों ने जो अबंडन ट्यूबवेल्स हैं, ऐसे कुएं जो बेकार पड़े थे, उनको रिचार्ज वेल में कन्वर्ट करके लगभग 6 कुओं को हमने कन्वर्ट किया है, जिससे जो बरसात का पानी है उसका संरक्षण हो सके। इसके अलावा सेंडा नाले की सफाई का कार्यक्रम हमारे योजना में है। इसके अलावा एक और चेक डैम प्रस्तावित है, जिसका शीघ्र निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। खेती में लोग कम भूजल का दोहन करें, इसके लिए तमाम हमारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें ट्रैश मल्चिंग एक प्रमुख कार्यक्रम है और जिसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। किसानों को लगातार यह समझाया जा रहा है कि आप गन्ने की सूखी पत्तियों को न जलाएं, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को आपको बताते हुए कि बड़े पैमाने पर किसानों ने इसको अपनाया है और आपको कहीं भी गन्ने की सूखी पत्ती जलती हुई नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमने किसानों के सहयोग से 5000 कंपोस्ट पिट क्षेत्रों में गड्ढे खोदे हैं, कंपोस्ट पिट खोदा है, जिसमें कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। इसमें करीब 3 और 4 साइकिल कंपोस्ट खाद लोगों ने निकाल भी लिया है, और यह भी हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि हम शिक्षा, सेहत, स्वच्छता, भूजल और भूमि, इन सब पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं और इस दिशा में क्षेत्रवासियों के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत जल्दी हम लोगों ने मुंडे ग्राम में सोलर लाइट की श्रृंखला लगाई है, जिससे सारे सड़क पर जब जहाँ पूरा अंधेरा रहता था वहाँ उजाला हो गया है, और मुंडे ग्राम के वासियों को की रात्रि जो अंधेरे में कटती थी वहाँ पर उजाला प्रकाशमय है। यूपी के हरदोई से
अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।